जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने अभी हाल ही में अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की इंस्टाग्राम ज्वाइन करने पर ये खुशखबरी दी थी फैंस को, और इसकी खुशी भी जताई थी कि उनके पीछे उनकी पत्नी ऐश्वर्या भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगी अब। लेकिन ऐश्वर्या उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है जितना एक्टिव अभिषेक रहते हैं सोशल मीडिया पर। इसी के साथ अभिषेक ने अपनी तरफ से उनके अकाउंट को प्रमोट करने के लिए भी जद्दोजहद लगा दी थी। जी हाँ, तस्वीरें शेयर करने के अलावा उन्हें प्रमोट करने के लिए फैंस रिक्वेस्ट भी करते नजर आए थे अभिषेक। साथ साथ में उनके पोस्ट पर कमेंट कर उनकी तारीफ करते नजर आए थे अभिषेक। यहाँ तक कि अभिषेक की तरफ से ली गई तस्वीर को ही ऐश्वर्या ने सबसे पहले पोस्ट में शेयर किया था, जिसमें वो अपनी बेटी आराध्या को गोद में लेकर शैडो वाली पोस्ट शेयर कर रही थी। हालांकि इसे लेकर ये भी कह दिया था कि अभिषेक ने ही मनमानी कराई थी ऐश्वर्या से कि वो भी इंस्टाग्राम ज्वाइन कर ले। मगर अब जो नई खबर आई है वो ये है कि अभिषेक नहीं बल्कि अपनी ही मर्जी से ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम अकाउंट खुद के लिए बनाया और फैंस के लिए एक्टिव हो गए। और अब वजह चाहे जो भी हो, इसे लेकर ये भी खबर आ रही है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सलमान खान खुद भी अपने फैंस के लिए पोस्ट करते हैं। सलमान की तरह ऐश्वर्या उनके नक्शे कदम चलकर उन्हीं की तरह किसी को भी फॉलो करती अब तक नजर नहीं आई। लेकिन सलमान तो करते हैं फॉलो दो ऐसी लड़कियों को जिनके साथ उनका खास रिश्ता है, दोस्ती है या कह लीजिए कि मासूमियत भरा रिश्ता। खैर, यहाँ मौजूद है सलमान, तो बात करते हैं सलमान और उसके बाद ऐश्वर्या की। सलमान इंस्टाग्राम पर अपने फैंस फॉलोइंग के मामले में किसी से भी कम नहीं, लेकिन अपने पति अभिषेक के कहने पर इस इंस्टाग्राम को ज्वाइन करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने उन अफवाहों का खंडन कर दिया कि अभिषेक की मर्जी चल रही थी। दरअसल इसके पीछे की वजह अभिषेक की मर्जी नहीं बल्कि खुद ऐश्वर्या की ही मर्जी थी, जिन्होंने सालों बाद सोशल मीडिया पर ज्वाइन करने को लेकर चुप्पी तोड़ ही दी। शायद आपको भी हैरानी हो, तो चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं असल में इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के पीछे ऐश्वर्या ने सिर्फ फैंस की परवाह सुनी, जिन्हें फैंस से मिलने वाले अटेंशन की इतनी खुशी थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जुड़ाव का बेहतरीन माध्यम बता दिया उन्होंने। और ऐसा कब कहा उन्होंने, इसका भी जवाब है हमारे पास। दरअसल सूत्र से ऐसी जानकारी मिले तो कांस 2018 के नाइट पार्टी में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐश्वर्या ने ये बातें कही थी, जिसे अपनी मर्जी और खुद को प्रेजेंट करने का एक माध्यम बताती नजर आई। खैर, वजह जो भी हो, सलमान के बाद अभिषेक और अब ऐश्वर्या जो वापस सलमान के पास लौट आई है सोशल मीडिया के जरिए, वो वाकई में फैंस के लिए खुशखबरी से कम नहीं। नेक्स्ट नाइन न्यूज रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।